न्यूज नेशन आनंद सत्य साथ। जैन समाज ना गुरु श्री आचार्य महाश्रमण ना नेतृत्व में राजस्थान ना छापर थी महाराष्ट्र राज्य ना मुंबई शहर सुधी लगभग 1800 किलोमीटर नी पगपाळा यात्रा 50 साधुओं 60 साध्वीओ अने मोटी संख्या में अनुयायीओ साथे निकळ्या हता। आ यात्रा आणंद नजीक आवता रात्रि रोकाण नी व्यवस्था ना भागरूपे आणंद मदरसा हाईस्कूल ना रात्रि रोकाण माटे जैन समाज ना संचालकोए संस्था ना प्रमुख वोहरा मोहम्मद अफजल मौलाना मोटा मदरसाना नायब मोहतमी मौलाना साजिद हाजी रशीद काजल साथे जेने लईने प्रथम तबक्का में मदरसा हाईस्कूल में रात्रि रोकाण माटेनी व्यवस्था करी आपी तेमनुं स्वागत करी रात्रि रोकाण माटेनुं सुंदर व्यवस्था करी आपेल हती। जेना भागरूपे पगपाळा करी आवेल तमाम जैन समुदायना साधु साध्वीओ अने अनुयायीओ रात्रि रोकाण कर्युं हतुं। जैन समुदायना तमाम लोकोए संस्थाना प्रमुख वोहरा मोहम्मद अफजल मौलाना साजिद अने समग्र स्टाफनो दिलथी आभार मान्यो हतो। संस्थाना प्रमुख वोहरा अफजले वधुमां जणाव्युं हतुं के पवित्र रमजान मासमां मदरसा हाईस्कूलना जैन समाजना साधु साध्वीओ अहीं रात्रि रोकाण करी अमोने सेवानो मोको आप्यो ए प्रेम भाईचारा सद्भावना અને કોમી એકતાનો સંદેશ છે। તેમજ જ્યારે જ્યારે દેશના હિત માટે કોમી એકતા સદ્ભાવના અને માનવ સેવાની જરૂર પડશે ત્યારે મદ્રસા હાઈસ્કૂલ મુસ્લિમ સંસ્થાઓ અને મુસ્લિમ સમાજના લોકો હર હંમેશ અગ્રેસર રહેશે। આ તમામ વ્યવસ્થાનું સફળ સંચાલન શાળાના આચાર્ય પઠાણ નઈમ સાહેબ, સુપરવાઇઝર વોરા ઇરશાદ સાહેબ અને મદ્રસા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય સૈયદ આસિફ સાહેબે કર્યું હતું। જૈન ધર્મ કા એક સંપ્રદાય હે તેરા પંથ ઓર તેરા પંથ કે 11વે जो हेड कहें अथवा आचार्य कहें वो हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो इन्होंने 2017 से अहिंसा यात्रा शुरू की और 2022 राजधानी दिल्ली में इन्होंने अहिंसा यात्रा को संपन्न किया। तो इस अहिंसा यात्रा में इन्होंने नेपाल भूटान सहित भारत के 20 से अधिक राज्यों का स्पर्श किया। तो जहाँ भी स्कूलें आती है, मदरसे आते हैं, अपनी धर्मशालाएँ आती हैं, मंदिर आते हैं, तो लोग बड़ी भक्ति भावना के साथ उनको प्रार्थना करते हैं और आचार्य वर वहाँ विराजते हैं। वो भी एक सुविधा हो गई कि हमें ये स्थान मिल गया और आपके लिए भी हो गई कि एक भाईचारे का है कि क्योंकि हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे इंसान सब इंसान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तो ये भाईचारे के संदेश के साथ आचार्य श्री यात्रा कर रहे हैं और आज हम बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों से मिल करके बातचीत करके। आप लोग भी धर्म की बात करते हैं, हम भी धर्म की बात करते हैं, आप भी समाज के विकास की, शिक्षा की, ज्ञान की, चेतना के विकास की बात करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। तो हम सब मिलकर के समाज के विकास का कार्य आगे बढ़ाते रहें तो मानवता का कल्याण हो। जी मारू नाम मौली साजिद है, कादू रोड द्वारा। हाँ, यात्रा राजस्थान ना छापर गाम थी निकली ने मुंबई तरफ जई रही है। जैन समाज की यात्रा है, पगपाळा संघ है, ये लोग रस्ता में निकलया हो रस्ता में आणंद आता मदरेसा हाईस्कूल ने मदरेसा प्राथमिक शाला कॉन्टेक्ट कर रातवासा माटे अने अमे एमने रातवासा माटे अमे जगह आपी अने एमने पूरेपूरी जेटली भी सहूलत थी एटली अमे पूरेपूरी करी आपी छे अने एमणे भी अमारो घणो आभार मान्यो छे आ बाबते। अने आजे દેશના અશાંતિપૂર્ણ માહોલની અંદર એમણે જ્યારે આપણને મુસ્લિમ સમાજને જૈન સમાજના લોકોએ અમને યાદ કર્યા એમની સહૂલત માટે, એમની સુવિધા માટે, જે એમનો પગપાળા સંઘ જઈ રહ્યો હતો એની સ્થાન માટે, રાતના રાતવાસા માટે, તો અમારા માટે, મુસ્લિમ સમાજ માટે ઘણી ગર્વની વાત છે, ઘણી મોટી વાત છે કે એમને આપણને ચૂન્યા। અને જે આ દેશનો અશાંતિપૂર્ણ માહોલ ચાલી રહ્યો છે એની અંદર આપણને એમણે મુસ્લિમ સમાજને ચૂઝ કર્યા તે આપણા મુસ્લિમ સમાજ માટે ઘણી મોટી વાત છે। અને મુસ્લિમ સમાજ હંમેશા હરેક ધર્મના હરેક કોમ માટે સેવાની, હરેક કોમની સેવા માટે તત્પર રહેશે, અત્યારે બી છે અને આવતા કોઈ પણ ટાઈમ પર જ્યારે પણ મુસ્લિમ સમાજને યાદ કરવામાં આવશે મુસ્લિમ સમાજ તેના માટે તત્પર રહેશે। સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ।